यहाँ पर देखिए डाउट सेशन चल रहा है। इस डाउट सेशन में क्या होता है कि बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, उसका फॉर्मूला होता है 2n2। दूसरे स्कूल में देखा है? नो सर। कैसा लग रहा है डाउट सेशन आपको? बहुत अच्छा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ विजन हाई स्कूल, यहाँ पर देख रहे हैं 9th और 10th, मगर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 9th क्लास के हैं और यहाँ पर देखिए डाउट सेशन चल रहा है। इस डाउट सेशन में क्या होता है कि बहुत सारे 9th के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि ओनली फॉर टीचर्स यहाँ लिखा हुआ है, ओनली फॉर टीचर, ये 4 टीचर बैठे हुए हैं और चारों चार सब्जेक्ट के बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनका नाम क्या हुआ सर आपका? राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल जी हैं, ये रीजनिंग के टीचर हैं और बहुत ही अच्छे तैयारी करवाते हैं, जो 9th क्लास के बच्चे को भी रीजनिंग देंगे, है ना, उनकी तैयारी करवा रहे हैं ये। चलिए थैंक यू सर। और ये देख रहे हैं यहाँ पर हैं हिंदी के टीचर, साहित्य हिंदी के ये शिक्षक हैं, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार जी हैं, जो बच्चों को डाउट जो है इसे क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं इनके पास, ये हैं साइंस के टीचर, आपका नाम क्या हुआ? विश्वजीत कुमार। विश्वजीत जी हैं, जो साइंस के जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी उनको डाउट ये क्लियर करेंगे, उनको समझाने की करेंगे इन बच्चों को। अब हम लास्ट में आते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हैं, जिनका नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मगर मैथ के टीचर हैं, नाम क्या है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी हैं, जो मैथ मेंटल कहिए इनको या मैथ टीचर बोलिए। और ये देख लीजिए, और यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं कोई रीजनिंग लिए हुए हैं, यानी रीजनिंग का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जो है से अलग अलग सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे आप मैथ देख सकते हैं, कोई साइंस लिए हुए हैं, कोई हिंदी लिए हुए हैं, इनके पास बुक पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कोई भी डाउट अगर इनकी होती है तो ये 4 जो लगे हुए हैं, जो आगे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 टीचर जो हैं डाउट को क्लियर करते हैं। और इसमें से देखिए, अब जैसे थोड़े देर में अब इनको डाउट जो होगी क्लियर, तो यहाँ से जो बच्चे हैं वहाँ पर जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे और वहाँ, यानी चारों टेबल पर जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं किनका क्या कुछ डाउट है नहीं है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेंटल एबिलिटी। अच्छा, कोई डाउट है आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है? यस सर। तो फिर आप कौन से टेबल पर जाएंगे? फर्स्ट टेबल पे। तो वहाँ पर आपको जाना है? यस सर। ठीक है, आप जाइए वहाँ। ये देख लिए, अब इनको जो भी दिक्कत था समस्या था तो वहाँ के टेबल पर हम चलते हैं और वहाँ जाएंगे। उनके बाद आपका क्या है सब्जेक्ट? मैथ। मैथ है, कुछ समस्या है आपको? यस सर। तो कौन से टेबल पर आप जाएंगे? 4th टेबल पर जाइए, 4th टेबल पर आप जाइए। इसी तरह से यहाँ के जो भी, अब हम नहीं पूछेंगे, अब आप लोग को जो भी डाउट होगा आप अपने टीचर के पास जा सकते हैं, मगर भीड़ नहीं लगाना है, 1 से 2 लोग जा सकते हैं वहाँ पर, आप लोग जा सकते हैं। अब चलिए हम आपको चलते हैं सर के पास, जो इनका जो समस्या था ये कैसे हल करते हैं। सर आपका क्वेश्चन कहाँ है? आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने बता दिया, बताइए क्वेश्चन। आइसोसेलस ट्रायंगल का समझ में मतलब नहीं आ रहा है। नहीं आया? अच्छा सर आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। ये देख लीजिए, आइसोसेलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक, इस इक्वल पार्ट को हम ए मान लेंगे, इसके बेस को बी मान लेंगे और इसके हाइट को हम क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे। ठीक है, चूंकि ये 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सेंस ये है कि पहले हम ये देखेंगे इसका बेस पूरा ये बी है, जब इसको परपेंडिकुलर पे डालेंगे तो ये बी बाई 2 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे कि इसका जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का सम होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 लेंगे और ये 4 आपके पास रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 4h² हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाई हम लोग 4 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4h². ठीक, अब ये 4 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 4² - b² / 4 हो जाएगा, यहाँ 4h² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर हटाते हैं तो ये आपका क्या होता है? रूट में हो जाता है, ये आपका रूट अंडर हो जाएगा, हो जाएगा 4a² - b² / 4, यहाँ पे हो जाएगा 4h². ठीक, अब आप जानते हो कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो बाहर आता है उसका स्क्वायर रूट, बाहर आता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा?
फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एच स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, अब हमें यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये आपका नीचे आएगा, एक मिनट, आप जिस सब इसको नीचे भेजोगे देखो ये होल स्क्वायर में ना, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा यहाँ पे टू एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एच। अब टू को जब इधर भेजोगे एच स्क्वायर टू हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से पहले से टू है, यहाँ कितना हो जाएगा ना पॉन फोर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या था फोर स्क्वायर हो गया, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया हाइट का। एरिया निकालना है तो ये हमारा वन पॉइंट टू बेस इंट हाइट से आप क्या करोगे निकाल दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये देख लीजिए दोस्तों, अब इनका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? यस सर, अब इनको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हैं हिंदी के साहित्य हिंदी के शिक्षक हैं, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? सर मुझे भावार्थ लिखने नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में आया है कि आ रही रवि की सवारी की कविता का केंद्रीय भाव क्या होता है, तो सर मुझे समझाएंगे कैसे? कैसे आप समझाएंगे? जी बिल्कुल जी, देखिए ये कविता लिखा हुआ है आ रही रवि की सवारी, अर्थात इस कविता में रवि की बात की गई है। रवि का मतलब होता है सूर्य, जब सूर्य की किरणें जब चलती हैं हमारे पृथ्वी पर, जब आती हैं पृथ्वी पर, जब उतरती हैं, तो पृथ्वी का सौंदर्य कैसे बदल जाता है, उस किरणों में कैसे पुष्प खिल जाते हैं, कलियां कैसे मुस्कुरा उठती हैं, इन सभी चीजों को लेकर के इस कविता में बात की गई है। हमारे इसमें पक्षियां चहचहाने लगती हैं, जब रात का जब समय रहता है सभी लोग बिल्कुल आनंद विभोर होकर के अपने सोए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवेरा होता है, जैसे जैसे सुबह होती है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी की ओर आती है, सभी हमारे प्राकृतिक में एक हलचल सा होने लगता है, और ये हलचल हमको ये अनुभव दिलाता है कि हमारा सूर्य हो रहा है, हमारी उषा काल जो था, प्रातः काल जो था, वो उषा का जादू टूट रहा है। उषा का जादू टूटने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंधेरा था अब हमारे वो उजाला में बदल रहा है, और ऐसे उजाला में बदलने से हमारे प्राकृतिक का सौंदर्य, प्राकृतिक की खुशनुमा बहुत मनोरम हो जाती है, बहुत दृश्य में बदल जाती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य को बनाने का बहुत बड़ा रोचक काम करती है। चलिए दोस्तों, आपने देखे कि यहाँ हिंदी किस तरह से सर ने समझा रहे थे, और उसके बाद हम चलते हैं साइंस के टीचर, साइंस में आपको क्या समस्या है, क्या डाउट है आपको? केमिस्ट्री का सवाल है जिसमें हम यह पूछना चाहते हैं, किसी भी एटम का मतलब जो सेल के आधार पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वही पूछना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, आप इनको हल करके बताएंगे। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जो होता है, एटम में क्या होता है सेल बटा होता है ना, और सेल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसका कोई भी सेल में, कोई भी एटम है तो सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसका फॉर्मूला होता है टू एन स्क्वायर। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। अगर बात किया जाए कोई एटम है उसके पहले सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो बताओ एन के जगह पर कितना पुट करेंगे, वन पुट करेंगे है ना, तो वन इंटू वन कितना होगा, वन होगा, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, दो। यानी किसी भी एटम का पहले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वही दूसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो बताओ एन की जगह पर कितना पुट करेंगे, क्योंकि एन क्या है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को बताता है। तो यहाँ टू का होल टू करेंगे तो टू इंटू कितना होगा, फोर होगा, और फोर इंटू टू यानी कितना होगा, एट होगा। इसी तरह अगर चौथे में जाए, फोर्थ सेल में अगर जाना होगा, तो फोर का होल स्क्वायर करेंगे, फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू कितना होगा, थर्टी टू। तो ये निकाला जाता है किसी भी सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, वो निकालने का ये मेथड हुआ। जैसे अब कहने का मतलब ये होता है सोडियम, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा, तो बताओ इसमें एन बराबर वन टू थ्री, मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, बताओ फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ फर्स्ट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में बताओ टोटल कितना बच गया है, 11 में से टोटल इसमें चला गया दो, 9 बच गया है, तो सेकंड सेल में बताओ सेकंड सेल में कितना जाएगा, सेकंड सेल में 8 जाएगा, क्योंकि सेकंड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 8 होता है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 18 का होता है, लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होता है, तो वन किस में जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब गेन हो कितना, फर्स्ट सेल में दो, सेकंड सेल में 8, और थर्ड सेल में कितना, वन हुआ, टोटल 11 हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये हो गया, आपको डाउट क्लियर हो? यस सर। डाउट क्लियर हो? यस। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर मैथ के जो शिक्षक हैं उनसे, और इनका देखिए आपका क्या मैथ में समस्या आ रहा है। डीपी भी मिला, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वही पूछना है। कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ठीक है, 9th है। आप क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लो। जी सर, रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए टू दी पावर 1/3 प्लस बी टू दी पावर 1/3 प्लस सी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 0, देन आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। आप कैसे हल करेंगे? ये सर अलजेब्रा का सिंपल सवाल है, इसको हम इन्हें एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 दिया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC के बराबर होता है। अब हम प्रयास करेंगे इनको बताने। बताइए। देखिए, ए टू दी पावर 1/3 प्लस बी टू दी पावर 1/3 प्लस सी टू दी पावर 1/3 बराबर 0। अभी हम यहाँ 1/3 है, इसको एज ए होल मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, तो हमें दिखाई पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे कि किस तरह से यहाँ पर डाउट जो सेशन चलता है वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर देखिए जिनका जिनका डाउट क्लियर हो जा रहा है वो आराम से सीट पर बैठ जा रहे हैं, और फिर इनको ये लगभग इनका एक घंटा का डाउट सेशन चलता है पीरियड। और एक चीज़ और मैं आपको खास मैं बता दूं कि दाऊद नगर में स्कूल है, वो दाऊद नगर औरंगाबाद में विजन क्लासेस है, जो 9th के बच्चे हैं और 9th क्लास के जो बच्चे आते हैं, 10th क्लास के जो बच्चे आते हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ रहते हैं, और इनको एक अच्छा पीरियड बनाया गया है जिसमें लंच करना है, कब इनको खेलना है और कब इनको पढ़ना है, ये सारे चीज़ें सिस्टम बनाया गया है, और इसके मुताबिक यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप इनको देख सकते हैं, ये मैथ अपना है, ये मैथ बना रही है, यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद एक देखें, कुछ ना कुछ इनके हाथ में एक पेपर होता है, उसमें से जो भी डाउट होता है वो डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ जो 4 जो टीचर बैठे हुए हैं वहाँ जाके ये डाउट क्लियर करते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, और जैसे मैं, आपका नाम क्या हुआ? वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी जी, आपको यहाँ डाउट सेशन जो चल रहा है या कभी आपने दूसरे स्कूल में देखा है? नो सर। कैसा लग रहा है डाउट सेशन? बहुत अच्छा। इसमें आपका सारा सब्जेक्ट जो भी समस्या होता है वो हल हो जाता है? यस सर। इन्होंने बोला वैष्णवी जी कि जो भी हमने कभी नहीं देखा है इस तरह से स्कूल को, और एक स्कूल के एक मॉडलिंग दिया गया है, अगर कहा जाए तो इसको मिनी कोटा भी बोलते हैं इस स्कूल के बच्चे, और इसको सजाया गया है, धजाया गया है, और इस तरह से काफ़ी एजुकेशन, अच्छा कुछ एजुकेशन देने की कोशिश किया जा रहा है। आप जैसे 4 वहाँ देख लीजिए, 4 टीचर वहाँ हैं, सारे कुछ बच्चे वहाँ पर हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो यहाँ बना रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सर के पास जा रहे हैं और उनको डाउट क्लियर किया जा रहा है। कुछ ऐसे जो सर हैं जो बीच में राउंडिंग करते रहते हैं और वहाँ भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ ये नया है, और इसी तरह के हम आपको एजुकेशन पर्सन का और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं। Hey guys, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।